How are you? Good morning, everybody. Good morning, sir. All good? Yes, sir. ठीक है, चालू करते हैं. हाँ भाई, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. यार अभी, हाँ नमस्ते. हाय गिरीश, नमस्ते. हेलो कोमल, गुड मॉर्निंग. जीएम नवीन, अरे यार ये तो खड़ा ही नहीं हो जा रहा आज तो, बहुत कम स्पेस है. ठीक है, गुड मॉर्निंग निश्चय, गुड मॉर्निंग अगेन. हरे कृष्णा नवल, हाय गगन, गुड मॉर्निंग. चलिए यहाँ से चालू करना है क्या? ये क्या है? यही चल रहा है क्या? अपना खत्म हो गया क्या चैप्टर? इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर और मैनेजर, ये हो गया? कोई डाउट है इसमें? अच्छा, मैंने करवा दिया था क्या? ठीक है, फिर मैंने रीड करने के लिए आपको दिया था, जहाँ तक मुझे याद है, पनिशमेंट. पनिशमेंट तो बड़ा फर्जी सा टॉपिक था. कर लिया क्या पनिशमेंट रीड? हाँ जी, हाँ बोलो डाउट. और फिर फाइनली रेक्टिफिकेशन करके चैप्टर खत्म. हाँ, लास्ट रेक्टिफिकेशन बचा है बस, डिपॉजिट्स कर लेंगे. 6.14. हाँ बोलो. पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू मेक एंट्रीज इन सैटिस्फैक्शन रिलीज इन एब्सेंस ऑफ इंटीमेशन फ्रॉम द कंपनी. हाँ हाँ, इसमें दिस सिचुएशन वुड अराइज वेयर द प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू अ चार्ज इज सोल्ड टू अ थर्ड पार्टी, नीदर द कंपनी नॉट चार्ज होल्डर हैज इंटीमेटेड द रजिस्ट्रार रिगार्डिंग सैटिस्फैक्शन ऑफ द अर्लियर चार्ज. आपने प्रॉपर्टी बेच दी, और प्रॉपर्टी बेचने के बाद, जैसे मैंने प्रॉपर्टी बेच दी, मेरे पे चार्ज था, वो प्रॉपर्टी मैंने मान लो इसको बेच दी, ठीक है, और ये कौन है? ये है, मान लो ये है चार्ज होल्डर, मतलब ये है बैंक, मैंने इससे लोन लिया, प्रॉपर्टी बनाई, वो प्रॉपर्टी मैंने इसको बेच दी. हाँ, बैंक को नहीं, उसको, इस पर्सन को, थर्ड पार्टी को. तो ना तो इसने बताया, ना इसने बताया. जैसे अडानी है, तो अडानी ने अभी अडानी ने जो रिसेंट में कॉपर फैक्ट्री खरीदी है, वो वेदांता ग्रुप की थी. तो वेदांता ग्रुप के ऊपर लोन था, वो लोन अडानी ने चुका दिया, लोन लेके, समझ आ गया? तो अब वेदांता ग्रुप जो है, उसने नहीं बताया, उसका तो छोड़ो, बट बैंक ने नहीं इन्फॉर्म करा, ना अडानी ने इन्फॉर्म करा रजिस्ट्रार को. और इस चीज़ के बारे में तो पूरी दुनिया को पता है, तो रजिस्ट्रार ने क्या कर दिया? इसका रजिस्ट्रेशन कर दिया. अरे सेटिस्फाई तो मेरा लोन हुआ है भाई. The situation would arise where the property subject to a charge is sold to third party, neither the company nor the charge holder has intimated the registrar. अरे तो बाबा मेरा तो satisfaction of charge हो गया ना. अरे भाई मेरा तो, मेरे पे चार्ज का रहा, बताओ, मेरी प्रॉपर्टी नहीं रही तो मेरे पे चार्ज का रहा? There is my property. नहीं सर, आपकी कहाँ है प्रॉपर्टी? अब उसको बेच दी, मेरा तो खत्म हो गया ना भाई. हाँ, उसका नहीं हुआ अभी,
उसका हो गया या उसका नहीं हुआ, दोनों हो सकता है, बट मेरी तरफ से यहां पे सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज हो गया, तो हमने इन्फॉर्म नहीं करा। अभी आया समझ में? ठीक है, एम्पावर्स द रजिस्ट्रार टू मेक एंट्रीज विद रिस्पेक्ट टू द सेटिस्फैक्शन एंड सेटिस्फैक्शन एंड रिलीज ऑफ चार्जेस इवन इफ नो इंटीमेशन। तो सेटिस्फैक्शन एंड रिलीज दोनों चीज है ना, तो रिलीज भी तो हो गया मैं चार्ज से, मेरे पे कहां रहा कुछ, बट मैं इन्फॉर्म नहीं करता तो मेरे नाम पे आज भी चार्ज दिखेगा ना भाई, तो वह है कहां? समझ आ गई बात? डन विद दिस? ठीक है, और बोलो। हाँ चार्ट टाइप बनवा दूं? ठीक है, इसमें आगे दे भी रखा है, देखो क्या लिखा हुआ है। अकॉर्डिंगली विथ रिस्पेक्ट टू एनी रजिस्टर्ड चार्ज इफ एविडेंस इज शोन टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ रजिस्टर दैट डेट सिक्योर्ड बाय चार्ज हैज बीन पेड, या तो आपने पे कर दिया और सेटिस्फाइड होली और इन पार्ट, और द पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी और अंडरटेकिंग चार्ज हैज बीन रिलीज फ्रॉम द चार्ज और हैज सीज टू फॉर्म पार्ट ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी और अंडरटेकिंग। तो ये सारे केसेस आ गए भाई, मतलब क्या क्या केसेस आ गए इसके अंदर, द डेट दी डेट हैज बीन सेटिस्फाइड इन फुल, मतलब यही चीज है, ये जो नीचे दो पॉइंट दे रखे ना, ये ऊपर वही दे रखा है, रिपीटेशन हो रहा है यहाँ पे। द डेट हैज बीन सेटिस्फाइड इन होल और इन पार्ट, डेट सेटिस्फाइड हो गया या तो पूरा या फिर पार्शियल सेटिस्फैक्शन। ठीक है, पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी और अंडरटेकिंग हैज बीन रिलीज फ्रॉम द चार्ज, मतलब उसका पूरा पेमेंट हो गया, और हैज सीज टू फॉर्म पार्ट ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी और अंडरटेकिंग। तो इसमें क्या क्या चीजें आई है, इसके अंदर आई है, पहले तो प्रॉपर्टी मैंने बेची नहीं, मेरे पास है, तो मेरे पास प्रॉपर्टी है, ये बैंक है, मैंने इसको पूरा पेमेंट दे दिया, तो ये आ गया डेट हैज बीन सेटिस्फाइड इन होल, या मैंने अभी इसे आधा पेमेंट एक साथ दे दिया और इन पार्ट, तो इसको ही तो कहते हैं, इसको तो कहते हैं सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्जेस, और इसको कहते हैं मॉडिफिकेशन, जो कि मैंने आपको कल बताया था कि सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज होता है। पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी और अंडरटेकिंग हैज बीन रिलीज फ्रॉम द चार्ज, तो पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी रिलीज हो गई, मतलब उसका चार्ज खत्म हो गया, मतलब बैंक ने, मैंने 50% लोन दे दिया था तो 50% प्रॉपर्टी रिलीज हो गई। हैज सीज टू फॉर्म पार्ट ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी, मतलब वो कंपनी की प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं रहा, मतलब कंपनी ने उसे सेल कर दिया। तो सारे केसेस के अंदर ही में एंटर द रजिस्टर ऑफ चार्जेस अ मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फैक्शन डेट, तो रजिस्टर ऑफ चार्जेस में वो ये लिख देगा कि भाई साहब इनका हो गया काम, समझ आ गया, या तो पेमेंट हो गया, डेट फ्री हो गया, प्रॉपर्टी रिलीज हो गई है, या फिर बेच दिया। अभी ठीक है, अभी भी डाउट है? ठीक है, तो हाँ आपका वो, आपका ये डाउट था कि मैंने बेची प्रॉपर्टी, बिकी हुई प्रॉपर्टी का चार्ज रिलीज हो गया, नहीं नहीं नहीं, आ गया ना समझ में अभी? ठीक है, क्लियर है? ये सिर्फ कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा था, जिसने, जिसके ऊपर चार्ज क्रिएटेड था उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा, उसको तो करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन एकदम नए के जैसे, और मेरे यहां से तो सब गया ना भाई, वो खत्म हो गया। आया समझ में? नहीं, अब आ जाते अपने नॉर्मल उस पर, चार्ट बनवाओ इसका। सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्जेस बाय By registrar Tuomoto। In absence of
then registrar is satisfied. Debt is paid in full or in part. या तो डेट का पूरा पेमेंट हो गया या फिर पार्शियल पेमेंट हो गया. और दूसरा पॉइंट क्या है? Property has been released from charge. Property release हो गई from charge. तो ये property release from charge का मतलब क्या है? ठीक है, property release from charge मतलब charge खत्म हो गया. ये सब satisfaction के ऊपर ही बात कर रहा है. और तो ये बोल रहा है सैटिस्फैक्शन ऑफ चार्जेस बाय रजिस्ट्रार. ये सुओ मोटो होगा. सुओ मोटो तो समझ गए. सुओ मोटो मतलब ऑन इट्स ओन मोशन, अपनी इच्छा से. इन एब्सेंस ऑफ इंटीमेशन, कोई इंटीमेशन नहीं रिसीव हुआ. व्हेन रजिस्ट्रार इज सैटिस्फाइड दैट, रजिस्ट्रार सैटिस्फाइड हो जाता है, डेट इज पेड इन फुल, पूरा पेमेंट हो गया या इन पार्ट पेमेंट हो गया. प्रॉपर्टी हैज बीन रिलीज फ्रॉम चार्ज. ठीक है, प्रॉपर्टी आपकी चार्ज से रिलीज हो चुकी है. या फिर प्रॉपर्टी सीज टू बी पार्ट ऑफ कंपनीज प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी का हिस्सा नहीं रही. ठीक है, तो उस कंडीशन में वो क्या कर सकता है? विदाउट इंटीमेशन वो क्या कर सकता है? सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज करके आपको क्या कर सकता है? मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज दे देगा, मतलब आपको एक तरीके से सर्टिफिकेट दे देगा. ठीक है, ये सब कब होगा? इन एब्सेंस ऑफ इंटीमेशन. नॉर्मल केस है. फिर तो वो तीन केसेस जो अपन ने देखे वही है. तीन ही तो केसेस हैं इसमें भाई. कुल मिला के इंफॉर्मेशन अबाउट क्रिएशन ऑफ चार्ज, इंफॉर्मेशन अबाउट मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज. क्रिएशन एंड मॉडिफिकेशन इज एग्जैक्टली सेम भाई भाई. बस क्रिएशन और मॉडिफिकेशन को एक दूसरे के वर्ड को रिप्लेस करना है, अदरवाइज सारी इन्फॉर्मेशन सेम है. और तीसरा आता है सैटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज, जो कि उसमें थोड़ी सी चेंजेस है 30 और 300 वाली. फिर आता है कि रजिस्ट्रार को खुद को पता लग गया. तो चौथा पॉइंट ये है. समझ आ गया? तो मेन तो ये चार टॉपिक्स हैं. और एक है कि अगर कोई गलती हो जाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाके आप उसको रेक्टिफाई करवा सकते हो. ओके, तो एग्जाम में पांच टॉपिक से आ सकता है क्वेश्चन, जिसमें भी मेन किससे आ सकता है? क्रिएशन, क्रिएशन ऑफ चार्ज एंड मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज मेन वो टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट. डन, आ जाए. किसी और को कोई डाउट है? पेज नंबर बताइए. रेक्टिफिकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन रजिस्टर ऑफ चार्जेस. अब देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो अपनी पावर किसको दे रखी है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो अपनी पावर आपको पता ही है. ठीक है, अच्छा, इसमें ना सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर रीजनल डायरेक्टर को देता है कभी कभी. ओके, पावर्स आर स्टैंड डेलीगेटेड टू रीजनल डायरेक्टर, याद रखिएगा. तो रेक्टिफिकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन रजिस्टर ऑफ चार्जेस, रेक्टिफिकेशन इन रजिस्टर ऑफ चार्जेस सेक्शन 87 ऑफ द एक्ट रूल 12 एम्पावर्स ही सेंट्रल गवर्नमेंट इन टू ऑर्डर रेक्टिफिकेशन ऑफ चार्जेस
इन द फॉलोइंग रेक्टिफिकेशन करना है रजिस्टर ऑफ चार्जेस इन द फॉलोइंग डिफॉल्ट. तो दो डिफॉल्ट है. पहला, देयर वॉज ओमिशन इन गिविंग इंटीमेशन टू द रजिस्ट्रार विद रिस्पेक्ट टू पेमेंट और सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज विद इन द टाइम स्पेसिफाइड. वही बोला ना मैंने आपको, ये तो चीज़ मैं आपको स्टार्टिंग से बता चुका हूँ. ठीक है कि भाई 30-30-60, 30-30-60, 30-300 गड़बड़ हुई तो इन्फॉर्म कर दो. समझ आ गया? क्लियर है? When there was omission or misstatement of any particulars in filing previously made to the registrar, मतलब मान लो कि जो आपने पहले इन्फॉर्मेशन दी उसमें कुछ omission रह गया या कोई गलती से misstatement आ गया. Such filing may relate to any charge or modification of charge or with respect to any memorandum of satisfaction or other entry made under section 82 or 83. अब आप देखिए मेरी बात सुनिए, अब ये पूरे चैप्टर का क्रक्स है. ये बोलता है कि भाई ओमिशन हो गया था, आप टाइम पैक नहीं करवा पाए, या जो आपने काम करवाया उसमें तीन चीज़ें तो होती है भाई. क्या क्या होती है? तीन चीज़ें ही होती है, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, एप्लीकेशन फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ चार्जेस, एप्लीकेशन फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्जेस. और चार्जेस का सेटिस्फैक्शन आप भी कर सकते हो, मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज कौन कर सकता है? ROC भी कर सकता है. यही होता है, कन्फर्म है क्या? 200%. अरे यही है ना चैप्टर में, और क्या यार, यही तो है, और कुछ तो है नहीं. तो भाई इसके अंदर आपने जब इंफॉर्मेशन भेजी तो आपने उसमें कुछ मिस स्टेटमेंट कर दिया या कोई ओमिशन हो गया. तो आप देख लो, व्हेन देयर वाज अ ओमिशन और मिस स्टेटमेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर्स इन फाइलिंग प्रीवियसली मेड टू द रजिस्ट्रार, और क्या क्या फाइलिंग्स करी थी, सच फाइलिंग में रिलेट टू एनी चार्ज और एनी मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज और विथ रिस्पेक्ट टू एनी मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फैक्शन और एनी अदर एंट्री मेड अंडर सेक्शन 82 दैट इज कंपनी टू रिपोर्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू मेक एंट्रीज ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ रिलीज. यही तो हुआ, और क्या हुआ भाई? तीन चीजें ही तो आई है अभी तक, और कुछ तो आया नहीं है. तो एक्चुअली में स्टेटमेंट तो यहीं तक है. व्हेन देयर वाज ओमिशन और मिस स्टेटमेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर्स इन फाइलिंग प्रीवियसली मेड टू रजिस्ट्रार, कि सबसे पहले तो क्या है भाई, तुमने डिले कर दिया इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, और देर वॉज अ ओमिशन ऑफ मिस स्टेटमेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर्स इन फाइलिंग प्रीवियसली मेड टू रजिस्ट्रार. मतलब आपने कुछ जो इन्फॉर्मेशन पहले भेजी उसमें आपने कोई भूल चूक कर दी. समझ आ गया? मिस स्टेटमेंट या फिर ओमिशन. भूल मतलब ओमिशन और चूक मतलब मिस स्टेटमेंट, गलत इन्फॉर्मेशन. समझ आ गया? तो आपने ROC को सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई कर दिया. अब सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगा कि भूल चूक कहाँ हुई है, तीन चीज़ों के अंदर, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, क्रिएशन ऑफ चार्ज में, मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज में, या सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज. अब सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज दो तरीके से हो सकता है, ठीक है, सेक्शन 82 शायद सेक्शन 83. 82 में क्या होता है, 82 में कंपनी खुद अप्लाई करती है और 83 में ROC अपनी पावर को इस्तेमाल करता है. और कोई दिक्कत बोलो, कुछ नया पढ़ा? नहीं, इस चैप्टर में जो हुआ वही पढ़ा. Before directing that time for giving the intimation or payment or satisfaction shall be extended or the omission or misstatement shall be rectified before directing, मतलब पहले और दूसरे पॉइंट के लिए अप्रूवल देने से पहले, सिंपल भाषा में बोलूँ तो पहले या दूसरे पॉइंट के लिए डायरेक्ट करने से पहले, अप्रूवल देने से पहले, दिस सेंट्रल गवर्नमेंट नीड्स टू बी सेटिस्फाइड दैट, वो खुद भी सेटिस्फाइड होगी दैट डिफॉल्ट वॉज एक्सीडेंटल और ड्यू टू इनएडवर्टेंस और बिकॉज ऑफ सम अदर सफिशियंट कॉज और इट डिड नॉट प्रिजुडिस द पोजिशन और क्रेडिटर्स और शेयर होल्डर्स. तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप को सेटिस्फाई करेगी कि भाई साहब तुमसे गलती हुई थी, डिफॉल्ट एक्सीडेंटल था, ठीक है. दूसरा, ड्यू टू इनएडवर्टेंस, भूल गए, ध्यान नहीं रहा, तुम्हें नॉलेज नहीं थी इस चीज़ की. सम सफिशियंट कॉज है, या डिड नॉट प्रिजुडिस, जो ऐसा कुछ है जो क्रेडिटर्स और शेयर होल्डर्स के पोजिशन को या उनको, ठीक है, उनकी पोजिशन को अफेक्ट नहीं करता. बोलो इसमें कोई डाउट है क्या? बताइए, आ गया अच्छे से समझ में अभी, या अभी भी कोई डाउट लग रहा है? अब तो क्लियर है, वर्ड टू वर्ड क्लियर हो रहा है? कुछ नहीं चल रहा भाई, कुछ नया नहीं है. जो पहले के चार टॉपिक्स पढ़े हैं, ठीक है, उसको भूल चूक हो गई थी उसमें. देखो सिंपल भाषा में, पहले के चार पॉइंट्स में भूल चूक, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको सही करने से पहले खुद चेक करेगा कि हाँ भाई ये सच में भूल चूक क्या थी, जानबूझ के तो नहीं करी तुमने, फ्रॉड तो नहीं करा, ये क्यों हुई है, एक्सीडेंटल ओमिशन, कोई सफिशियंट कॉज था, इनएडवर्टेंस से हुआ, और इसकी वजह से क्रेडिटर्स और शेयर होल्डर्स के ऊपर तो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आ रहा, बस खत्म. द एप्लीकेशन इन फॉर्म CHG 8 शैल बी फाइल्ड बाय द कंपनी और एनी इंटरेस्टेड पर्सन. कौन फाइल करेगा? द एप्लीकेशन इन फॉर्म CHG 8 शैल बी फाइल्ड बाय द कंपनी और एनी इंटरेस्टेड
पर्सन, समझ गए ना? कौन फाइल करेगा? सर ये क्या किया? अरे पढ़ के देख लो एक बार, ऊपर की बात है, एज इट इज रिपीट ना लगे तो बताना। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? अरे हाँ कर देगी, क्या लिखा है पढ़ो तो सही। डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन ऑफ द ओमिशन, मिस स्टेटमेंट इन पर्टिकुलर्स, और नीचे दे रखा है डायरेक्ट एक्सटेंशन ऑफ टाइम, और आगे की एज इट इज कट कॉपी पेस्ट हो रखी है। बोलो भाई, एनीबडी वॉन्ट टू आस्क एनीथिंग? सिंपल, खत्म। सीजी को यार देखो, वैसे तो सीजी को फीस नहीं देनी पड़ती है, ऐसा कोई स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है, बट अगर स्पेसिफिकेशन होगा तो चार्जेस देने पड़ेंगे। सिंपल है, याद तो करना नहीं है ना तो फीस का अमाउंट याद करना है, क्योंकि कहीं पे भी फीस का अमाउंट देते नहीं है, तो फीस का अमाउंट सारी जगह से इन्होंने हटा दिया, क्योंकि ये कभी भी रूल डाल के फीस कोई भी चेंज कर सकते हैं। रूल्स आए क्यों हैं? पुराना कंपनीज एक्ट ना, उसके अंदर रूल्स बहुत कम थे, मतलब रूल्स ना के बराबर थे। कंपनीज एक्ट 1956 में रूल्स ना के बराबर थे, पर कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन से ज़्यादा तो रूल्स हैं, हर चीज़ के ऊपर रूल है। सेक्शन क्या बोलता है? सेक्शन कुछ बोलता ही नहीं है, सारी बातें वो रूल पे डाल देता है, रूल अपने आप से फटाफट आ जाता है। बट सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सेक्शन जो है ना, उसको ऐड करने के लिए एक लंबा प्रोसेस होता है। एक्ट में अमेंडमेंट लाने के लिए, सेक्शन में अमेंडमेंट लाने के लिए आपको पूरा पार्लियामेंट के थ्रू पास करवाना पड़ता है, बराबर। रूल लाने के लिए MCA काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, जब मर्जी तब रूल ले आएगा। तो उसका प्रोसीजर बहुत आसान होता है, सिंस उसका प्रोसीजर बहुत इजी है, बार बार पूछना नहीं पड़ता, जब चाहे तब अमेंडमेंट ला सकते हैं, इसलिए रूल बेस्ड हो गया ये एक्ट। इनकम टैक्स में रूल लेके आ रहे हैं, ले भाई रूल लगा दिया, तुम्हारे पे एप्लीकेबल हो गया रूल, बार बार पूछना थोड़ी पड़ेगा, नहीं तो बैठो पार्लियामेंट के अंदर, फिर सबसे पूछो, परमिशन लो, अप्रूवल लो, बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो इसलिए इन सब प्रोसेसेस को इजी करने के लिए इन्होंने रूल बेस्ड लॉ बना दिया, कि जो भी लॉ बन रहे हैं आजकल रूल बेस्ड लॉ बन रहे हैं, जहाँ पे अथॉरिटी डायरेक्ट डिसीजन ले सकता है, फीस के बारे में नहीं देते, जो कभी भी बदल सकते हैं। इसलिए तो पहले क्या है, फीस याद करनी पड़ती थी, अभी फीस याद ही नहीं करनी आपको, क्योंकि वो अमेंड होती रहती है हर साल, मतलब की बात है ना मेन। सरकार काम ही क्यों करती है आजकल? तो पैसों के लिए, तो गवर्नमेंट कमर्शियल बन चुकी है। टेस्ट योर नॉलेज, हाउ विल अ कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट एविडेंसिंग क्रिएशन ऑफ चार्ज एंड रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद द रजिस्टर आर? ठीक है भाई, एक्सप्लेन ब्रीफली द प्रोविजंस एनफोर्स्ड बाय द कंपनीज अमेंडमेंट सेकंड ऑर्डिनेंस वेयर अ चार्ज क्रिएटेड बिफोर 2/11/2018 इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी, ठीक है। पहले 300 दिन था भाई। डिफाइन द टर्म चार्ज, हाँ वो 300 दिन और 6 महीने वाला, अरे बाबा बिफोर लिखा था, बिफोर 2/11/2018 से पहले के प्रोविजन्स क्या थे ये पूछ रहा था, हाँ ये वही बोल रहा है, और उसके बाद के प्रोविजन्स ऑफ। डिफाइन द टर्म चार्ज, एक्सप्लेन व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर डिफॉल्ट, ठीक है, डिफॉल्ट का पनिशमेंट तो देख ही लिया, और 447 5 लाख और 4, ठीक है। रेनुका सोप्स एंड डिटर्जेंट्स लिमिटेड रियलाइज्ड ऑन 2/2/2019, इनको रियलाइज हुआ द पर्टिकुलर्स ऑफ चार्ज, ठीक है, जो कि क्रिएट हुए थे कब, 12/2019 को, इन फेवर ऑफ बैंक वॉज नॉट रजिस्टर्ड विद दी ROC। वट प्रोसीजर वुड द कंपनी फॉलो टू गेट द चार्ज रजिस्टर्ड? वुड द प्रोसीजर भी डिफरेंट इफ द रियलाइज द मिस्टेक ऑन 7 June इंस्टेड ऑफ 2 May? चलो अब देखो, 2 May को रियलाइज हुआ कि 12 मार्च, तो भाई 12 मार्च से फीस देखे 11 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन करवाना है, 30 दिन हो रहे अप्रॉक्सीमेटली है, बल्कि 10 ही हो जाएगा 30 दिन के लिए, तो 31 दिन का होता है ना मार्च, इसलिए 30 दिन कब हो जाएंगे, 10 अप्रैल को, 10th अप्रैल लास्ट डे, फिर नेक्स्ट 30 डे अप्रैल मई, 9 मई, क्योंकि अप्रैल में 30 दिन ही होते हैं, तो 9th में हो जाएगा, यानी कि 30 दिन और निकल गए, फिर इसमें 60 डेज देखने अपने को, तो 60 डेज 9th में से कौन से हो जाएंगे,
मई जून और मई में 31 दिन होते हैं, 8 तारीख आएगी, 7 जून आ जाएगा, मई जून जुलाई 7 जुलाई। तो भाई ये तो 12 मार्च 2 मई को करवाना है, तो 9 मई तक का टाइम है अपने पास, समझ आ गया ना। तो यहाँ पे तो 30 दिन 30 एक्स्ट्रा 30 दिन एडिशनल फीस के साथ हो जाएगा, और यहाँ पे एड वोलरम फीस आ गया समझ में। ओके, तो आपको ये डेज लिखने पड़ेंगे कितने दिन तक करवा देते हैं, ये देख लो ना 7 जून, और ये करवाने के लिए ये वही दे रखा है, मतलब समझ गया ना। ठीक है भाई, आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा प्रोविजंस, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रोविजंस के बारे में। अब ये प्रोविजन देने की अपने को ज़रूरत नहीं है, या अगर चाहें तो दे सकते हैं, ठीक है, विद द अमेंडमेंट इन कंपनीज ऑर्डिनेंस, ठीक है, विद द कंपनीज कमेंसमेंट ऑफ द कंपनीज अमेंडमेंट सेकंड ऑर्डिनेंस 2019 के बाद अपन ने क्या किया, ठीक है, वॉट एवर चार्जेस क्रिएटेड आफ्टर 2/11/2018 मस्ट बी रजिस्टर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। इफ़ एनी डिले अलॉन्ग विद द फीस, इफ एनी डिले इज मेड बाय द कंपनी इन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, और ठीक है, नॉट बाय द इवन इट इज नॉट रजिस्टर्ड बाय द चार्ज होल्डर, देन इन सच ए केस कंपनी कैन गेट इट रजिस्टर्ड इन विद इन एडिशनल पीरियड ऑफ 30 डेज। ओके, इफ फर्दर विद एन एडिशनल फीस, इफ फर्दर डिले इज मेड बाय द कंपनी, देन द चार्ज मस्ट बी रजिस्टर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज अलॉन्ग विद द एड वोलरम फीस। ठीक है, ओके, नेक्स्ट 60 डेज अलॉन्ग विद द एड वोलरम फीस। ओके, एड वोलरम फीस के साथ अगले 60 दिनों में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है, अब नाउ ये तो हो गया प्रोविजंस। ठीक है, अब फैक्ट ऑफ द केस बताएंगे, तो फैक्ट ऑफ द केस क्या है, इन दिस केस रेणुका लिमिटेड इज अ कंपनी, ठीक है, जिसने चार्ज क्रिएट कराया, द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज वॉज सेकेंड ऑफ, क्या डेट है, 12th of March, द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज वॉज 12th of March, ठीक है, विच मस्ट गॉट रजिस्टर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज, तो वो डेट लिख देना, ठीक है, 11th of April, इट मस्ट हैव गॉट रजिस्टर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज, दैट इज ब्रैकेट में लिख देना 11th of April, बट कंपनी मेड अ डिले एंड रियलाइज्ड इट ऑन 2nd of June, ठीक है, दैट द चार्ज वॉज नॉट रजिस्टर्ड, नाउ द कंपनी कैन गेट इट रजिस्टर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ, ठीक है, और डेट लिख देना विद इन अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज, और वो डेट लिख देना ब्रैकेट में कौन सी डेट तक करवा सकते हैं। ठीक है, तो नाउ कंपनी वॉन्ट्स टू गेट इट रजिस्टर्ड ऑन 2nd of May, ठीक है, तो नाउ कंपनी नीड्स टू गेट इट रजिस्टर्ड विद एन एडिशनल, नहीं कंपनी एडिशनल फीस, और उसके बाद लेट सपोज अगले पैराग्राफ में जाना पड़ेगा, फिर एक और नेक्स्ट पैराग्राफ, ठीक है, क्वेश्चन क्योंकि दो चीज़ें दे रहे हैं ना, तो फिर इसका आंसर कर दो, इसका आंसर कर देंगे कि नाउ कंपनी कैन गेट इट रजिस्टर्ड अप टू दिस एंड दिस डेट अलॉन्ग विद द एडिशनल फीस। तो डेट क्या आई थी, अपने निकाली थी अभी जून, नहीं मई, 11 में आई थी ना, 10 में, 10th में, तो कंपनी कैन गेट इट रजिस्टर्ड अप टू 10th में अलॉन्ग विद द एडिशनल फीस, समझ आ गया। फिर हमें पैराग्राफ चेंज करना पड़ेगा, और नेक्स्ट पैराग्राफ में, ठीक है, हाउ एवर इफ कंपनी मेड फर्दर डिले एंड रियलाइज इट ऑन 7th of June, ठीक है, तो फिर हमें फिर से एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि उसके बाद कंपनी के पास एडिशनल 60 डेज का टाइम है, तो ब्रैकेट में मेंशन करना पड़ेगा वो एडिशनल डेज, ठीक है, और फिर कंपनी कैन गेट इट रजिस्टर्ड अलॉन्ग विद द एड वोलरम फीस, समझ आ गया। तो इसके अंदर कितने पैराग्राफ्स में आंसर गया, 3 पैराग्राफ तो हो गए पहले, और फिर 2 पैराग्राफ जाएंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाले, समझ आ गया, फर्दर इन्फॉर्मेशन वाले, आया समझ में। तो इसके 5 पैराग्राफ्स बने आपके, ठीक है, पहला प्रोविजंस ऑफ द लॉ, फैक्ट ऑफ द केस, डिसीजन, फिर एडिशनल फैक्ट, एंड देन डिसीजन ऑन एडिशनल फैक्ट, क्लियर हो गया, ऐसा करके आपको आंसर करना पड़ेगा इसके अंदर। अब आगे इसमें लिखा है, ये तो हो गया, समझ आ गया ना, ये फॉलो करना है, तो यही लिखा है इसके अंदर, मिस्टर अंतरिक्ष परचेज द कमर्शियल प्रॉपर्टी इन दिल्ली, मतलब ये वो खरीद रहा है सब्जेक्ट टू चार्ज, शायद मिस्टर अंतरिक्ष परचेज द कमर्शियल प्रॉपर्टी इन दिल्ली बिलोंग टू NRT लिमिटेड आफ्टर एंटरिंग इन टू एन अग्रीमेंट विद द कंपनी, एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन मिस्टर अंतरिक्ष कम्स टू नो दैट टाइटल डीड ऑफ द कंपनी इज नॉट फ्री एंड द कंपनी एक्सप्रेसेस इट्स इनएबिलिटी टू गेट द टाइटल डीड ट्रांसफर्ड इन हिज नेम कंटेंडिंग दैट ही ऑट टू हैव द नॉलेज ऑफ चार्ज, सही बोल रहे हैं तो कंपनी, ठीक है भाई, चार्ज क्या होता है, एक पब्लिक नोटिस होता है,
कंस्ट्रक्टिव नोटिस होता है, एनीबडी हु इज परचेजिंग द कंपनी प्रॉपर्टी ठीक है मस्ट हैव गो थ्रू विद द सेम, तो कंपनी की कोई गलती नहीं है ठीक है, समझ आ गया। इन द अबव केस द कंटेंशन ऑफ एनआरटी लिमिटेड इज करेक्ट। एबीसी लिमिटेड क्रिएटेड अ चार्ज इन फेवर ऑफ ओके बैंक, द चार्ज वॉज ड्यूली रजिस्टर्ड, लेटर द बैंक एनहेंस्ड द फैसिलिटी बाय अनदर 20 करोड़। मॉडिफिकेशन ऑफ चार्जेस ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ चार्जेस आ गया यहाँ पे। ड्यू टू इनएडवर्टेंस इज मॉडिफिकेशन इन द ओरिजिनल चार्ज वॉज नॉट रजिस्टर्ड, अच्छा मॉडिफिकेशन आप रजिस्टर्ड नहीं करवा पाए, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले जाओ ठीक है, एडवाइस दी कंपनी, तो यहाँ पे आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले जाओ, आगे समझ में ठीक है, और यहाँ पे ड्यू टू इनएडवर्टेंस है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर कर देगी रंजीत एक्वायर्ड अ प्रॉपर्टी, अच्छा ये तो वही वाली है सेम केस ठीक है, एक्वायरिंग अ प्रॉपर्टी, एक्वायरिंग अ प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू चार्ज, ही सेटल्स द ड्यूज ऑफ ओके बैंक इन फुल एंड सेम वॉज रजिस्टर्ड विद द सब रजिस्ट्रार। तो क्या बोल रहा है, रंजीत एक्वायर्ड अ प्रॉपर्टी फ्रॉम एबीसी लिमिटेड, रंजीत ने एबीसी लिमिटेड से प्रॉपर्टी खरीदी विच वॉज मॉर्गेज टू ओके बैंक, तो किसके पास मॉर्गेज थी, ओके बैंक के पास, ही सेटल्ड द ड्यूज टू ओके बैंक इन फुल, ओके बैंक को उसने पूरा पैसा दे दिया ठीक है, मतलब मेरी प्रॉपर्टी थी, मेरी प्रॉपर्टी इसने खरीदी और यह है ओके बैंक, इसको पूरा पैसा दे दिया ओके बट, और रजिस्ट्रेशन करवा लिया प्रॉपर्टी अपने नाम पे सब रजिस्ट्रार के पास जाके, और नोट करवा दिया हु हैज नोटेड द मॉर्गेज हैज बीन सेटल्ड, तो सब रजिस्ट्रार ने नोट कर लिया, बट नीदर द कंपनी नॉर ओके बैंक हैज फाइल्ड पर्टिकुलर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन विद द आरओसी। अब आरओसी को तो हमने बताया नहीं, आरओसी मान लो ये आरओसी है, तो ना तो इसने बताया ना इसने बताया, मेरे पास से तो चला गया प्रॉपर्टी ना मैंने बताया। ये बोलता है कैन मिस्टर रंजीत अप्रोच द रजिस्ट्रार एंड सी कैन ही, अच्छा बैंक हैज फाइल्ड, कैन मिस्टर रंजीत अप्रोच द रजिस्ट्रार एंड सी कैन ही रिलीफ इन दिस रिगार्ड, डिस्कस द मैटर इन द लाइट ऑफ प्रोविजन। देखो भाई जा तो सकते हो, करवा सकते हो ठीक है, बट इसके अंदर तो सब रजिस्ट्रार को पता लग गया, तो रजिस्ट्रार क्या कर देगा, खुद रजिस्ट्रेशन कर देगा, समझ आ गया, ये वो वाला प्रोविजन है जो आप ही अपन ने डिस्कस करा पेज नंबर 14 वाला, कि वो खुद रजिस्ट्रेशन कर देगा, ये तो लिखा है नीचे एज इट इज, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई, और नीचे आंसर कर देना यहाँ पे ठीक है, बस उसके अंदर, समझ आ गया। इसके साथ चैप्टर खत्म हो गया, बताइए सबको रख लग बताइए क्या, हाँ भूल चुक, मतलब कोई ऐसी चला के नहीं, गलती से भूल गए, ऐसे गलती से भूल गए, मतलब लाइक दैट, हाँ हो जाता है ऐसा। चलो हाँ लेफ्ट आउट है इसमें ओके, एक दो तीन चार पाँच और ये छः, वो उसमें सेम है, ऑडिट वाला सेम है, मतलब ऑडिट में जो आपने कर लिया वो सेम है एज इट इज, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है। उसके बाद लास्ट में मैं आपको ये पूरा रिवाइज भी करवा दूंगा एक बार ठीक है, पूरा रिवाइज कर लेंगे इसे, वी विल रिवाइज इट होल ठीक है। तो जिन्होंने ऑडिट पढ़ लिया उनको अगर पढ़ना नहीं है, रिवाइज नहीं करना, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट बाकी लोग कर सकते हैं इसको ठीक है, डन। तो टेक्निकली 6 चैप्टर्स हो चुके अपने, नहीं मैं इसके बाद अदर लॉस चालू करूंगा, कंपनी लॉ से पढ़ते पढ़ते कंपनी लॉ से बहुत बोर हो गए, तो मैंने सोचा कुछ वैरायटी लेके आते हैं आपके लिए, कुछ नया लेके आते हैं ठीक है। फिर क्या है, ऑल्टरनेटिव चलाएंगे, एक कंपनीज एक्ट एक अदर लॉ, फिर एक कंपनीज एक्ट फिर एक अदर लॉ ठीक है, तो ख़त्म भी हो जाएगा कोर्स और थोड़ा क्या इंटरेस्ट भी बना रहेगा, कुछ तो अलग पढ़ने को मिला, नहीं तो क्या कंपनीज एक्ट ऑडिट में भी वही बात, यहाँ पे भी वही बात, सेम बातें घूम रही है, तो इसलिए क्या है कुछ अलग पढ़ेंगे अब अकाउंट से, तो आप लोग ऐसे सराउंडेड बाय बहुत ज़्यादा वो हो गया। चलो फिर एक काम करते हैं, सुनो 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 मेरी बात सुनो, क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले अपन छोटा चैप्टर चालू करेंगे जनरल क्लॉजेज एक्ट का, जनरल क्लॉजेज एक्ट के बाद एक कंपनीज एक्ट, और फिर चालू कराऊंगा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, जिसको पढ़ते पढ़ते मतलब एकदम बस
हालत पतली, ऐसे ऐसे शब्दों का यूज किया जाता है यहां पे, ऐसे ऐसे वर्ड्स, मैक्सिमम लैटिन वर्ड्स है इसके अंदर, सब याद करना पड़ेगा, ज्यादा है और ये सबसे खतरनाक है। ऐसे ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है ये, दिस इज नॉट अ वेरी बिग चैप्टर। चलो ऐसे चलो एक बार देख लो, थोड़ा डर जाओ उसको देख के एक बार, ठीक है। अब अरे बाबा 42 मतलब, अरे नहीं नहीं अरे अभी नहीं अभी, ये क्या है, इट विल टेक टाइम, लास्ट में नहीं सर, ये क्या है, लास्ट में क्या होता है फिर ऐसा होता था कि मान लो ठीक है सेल्फ स्टडी पे चले गए बच्चे, कम हो गए चैप्टर, हाथ से निकल गया तो निकल गया, ठीक है फिर किसी के बस की नहीं है, चैप्टर बिना पढ़े बस की नहीं आती है, ये है ही नहीं। स्टैट्यूट क्या होता है, मैटर रिकॉर्ड सब्सटेंस मीन्स इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, डीड क्या होता है, चलो ये तो ठीक है, ठीक है। ज्यूरिस्प्रूडेंस, कंस्ट्रक्शन, इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉ क्या होता है, चलो कुछ और खतरनाक चीजें दिखाता हूं। रूल्स ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, हिडन रूल्स, मिस्चीफ रूल, बेनिफिशियल, एक्सेप्शनल, एडजस्टम, जेनरस, नॉसिटर, असोसिस, ठीक है आया लग रहा है कुछ अच्छा लगा, चलिए आ जाओ, कम बैक, घबराओ नहीं घबराओ नहीं, अरे कम बैक कम बैक कम बैक। ठीक है ये मैंने सबसे पहले सीएस के अंदर पढ़ा था, सबसे पहले मैंने सीएस में पढ़ा था, कंपनी सेक्रेटरी वाले में पढ़ा था मैंने सबसे पहले ये, ठीक है सीएस के अंदर आता है ये, मैंने कहा था ना मेरा सीए से पहले सीएस हो गया था। अरे भाई सीए भाई यार साढ़े पाँच साल लगे सीए में और 3 साल लगे सीएस में। हाँ फाउंडेशन इंटर और फाउंडेशन हुआ फिर एग्जीक्यूटिव हुआ फिर फाइनल, एक एक साल खत्म। वो साहब क्या करना, मेरे को क्यों करना था, मेरे को करना ही नहीं था, अवन सीए कर रहे हैं ना अपने को क्या दिक्कत थी। फिर उसके बाद सीए में लगता है जैसे सीपीटी, फिर 1 साल बाद आईपीसीसी, फिर 3 साल बाद फाइनल। तो मैंने उस ड्यूरेशन 3 साल के ड्यूरेशन में सीएस कर लिया, ठीक है इसलिए तो मेरा क्या है लॉ वॉ वहीं से स्ट्रांग हो गया था, मेरे को दिक्कत ही नहीं थी वैसे भी। ये सब आया था फाइनल के अंदर, फाइनल के अंदर था पहले चैप्टर, अब इसमें डाल दिया। ये 2 चैप्टर्स है ना ये फाइनल से उठा के, जनरल क्लॉजेस इंटरप्रिटेशन, ठीक है फाइनल से उठा के अभी डाल दिए, बट इसमें से बहुत सारे चैप्टर्स हटा दिए। एक्चुअली पहले क्या आता था, आपके लेबर लॉस बहुत ज़्यादा आते थे, पहले लेबर लॉ हुआ करता था आपके यहाँ पे, ठीक है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, ठीक है और दूसरा होता था आपका ग्रेच्युटी और प्रोविडेंट फंड, ये 3 चैप्टर्स आपके कोर्स से हटा दिए और काफ़ी ईजी थे, तो एक पढ़ लो तो दूसरा तीसरा अपने आप ही दिमाग में चला जाता है। लाइक जैसे फाउंडेशन में आपने थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है तो वो चीज़ क्या है आपके अभी भी, हाँ हाँ तो भाई फाउंडेशन में थोड़ा बड़ा है, यहाँ तो सिर्फ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो वाला थोड़ी है फाउंडेशन वाला, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है बेलमेंट, प्लेज, गारंटी, इंडेमिनिटी, ठीक है बस यही था इसमें। तो वहाँ था कहाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, वो भाई वो है ही नहीं आपके, आपके से स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है और काफ़ी ईजी है ये, मतलब सबसे इजी चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के यही है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यही है सबसे इजी, पूरी बुक में सबसे इजी चैप्टर यही है, बट ये तो अपन लास्ट में कर सकते हैं क्योंकि डिफिकल्टी नहीं है, मतलब लिखे नोट्स, ठीक है एक एक पेज पे एक एक खत्म, ठीक है बेलमेंट पकड़ा, इंडेमिनिटी पकड़ा आधे पेज में खत्म, गारंटी पकड़ा डेढ़ पेज में खत्म, ठीक है फिर उसके बाद बेलमेंट प्लेज, ठीक है और उसके बाद बस खत्म हो गया। अच्छा अब चालू करते हैं आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ नहीं एक्सेप्टेंस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, हाँ लिखवा लेंगे। अब देखो भाई एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स के बारे में थोड़ी सी कहानी जान लेते हैं, कंपनीज एक्ट 2013 से पहले की कहानी बताता हूँ मैं, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स कंपनीज एक्ट 2013 से पहले की कहानी, फिर ऐसा अचानक से क्या हुआ, ठीक है उन सब के बारे में बताता हूँ मैं आपको। देखो होता क्या था, पहले ना ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी एक्सेप्टेंस और डिपॉजिट्स पे,
लिमिट्स थी पहले बस कि एक कंपनी जैसे 35% तक एक्सेप्टेंस कर सकती है, एक कंपनी 100% तक एक्सेप्टेंस कर सकती है, 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। तो पहले क्या था, इतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे इसके ऊपर, एक्सेप्टेंस इजीली काम करता था। बाद में यार एक्सेप्टेंस और डिपॉजिट्स के ऊपर ना सेंट्रल वो आरबीआई ने थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस चालू कर दिया कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। आरबीआई बोला यार कंपनियां डायरेक्ट एक्सेप्टेंस दिखा रही है यहाँ पे, फिर बैंक क्या काम करेगा? कंपनी डायरेक्टली पब्लिक से एक्सेप्टेंस ले लेती है, पब्लिक से डिपॉजिट्स ले लेती है। अच्छा ऊपर से कंपनियां डिफॉल्ट भी कर जाती है, कंपनियों का डिफॉल्ट रेट भी हायर है, ऑब्वियसली बैंकों का तो डिफॉल्ट रेट जीरो है, ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू जीरो है, पर कंपनियों का डिफॉल्ट रेट हायर है। तो आरबीआई ने कहा कि यार देयर आर लाइक मेनी चेंजेस रिक्वायर्ड इन दिस पर्टिकुलर लॉ, इस लॉ में तो बहुत सारे चेंजेस की रिक्वायरमेंट है। तो फिर आरबीआई ने कंपनीज एक्ट के साथ मिलके, मतलब आरबीआई के रेगुलेशंस को लगा के, ठीक है कंपनीज एक्ट जो आया नया वाला, एमसीए ने जो लॉ बनाया इसके अंदर वो आरबीआई के रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए बनाया। आरबीआई ना डिपॉजिट्स को लेके बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। ये चैप्टर ना, ये चैप्टर पहले इतना इंपॉर्टेंट नहीं हुआ करता था, इट वॉज वेरी ईजी। तो उसके बाद में आरबीआई ने इसमें लिस्ट दे दी कि भाई साहब आप अगर एक्सेप्ट करना चाहते हो डिपॉजिट्स तो आपकी 6 टाइप की कैटेगरी की कंपनीज हो सकती है। जैसे कौन कौन डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है, एक तो है बड़ी लार्ज पब्लिक कंपनीज, एक है नॉर्मल पब्लिक कंपनीज, प्राइवेट कंपनी भी कर सकती है, ठीक है आपके जो जो प्राइवेट कंपनी जो होती है, ठीक है जिनका जिन एनपीओ जो होती है वो भी कर सकती है, जो आपकी स्टार्टअप प्राइवेट कंपनीज है वो भी कर सकती है। मतलब सबके लिए कहीं ना कहीं अपन ने अलग अलग प्रोविजंस बनाए क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए। जो बड़ी कंपनीज हैं उनके ऊपर तो बना दिया थोड़े से ईजी प्रोविजंस की, बड़ी कंपनी को तो सेफ है वो तो पैसा चुका देगी, और छोटी कंपनीज के ऊपर बना दिए थोड़े से स्ट्रिक्ट प्रोविजंस। अच्छा बड़ी कंपनीज को वो तो बोल दिया कि आप पब्लिक से भी डिपॉजिट ले सकते हो, यू कैन टेक डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एट लार्ज, मगर छोटी कंपनीज को बोल दिया कि भाई तू पब्लिक से नहीं ले सकता, अगर तेरे को डिपॉजिट लेना है तो तू जैसे मेंबर से ले, क्योंकि मेंबर से तो तूने पैसा ले ही रखा है वैसे भी, तो मेंबर से तू क्या कर सकता है, मेंबर से तू यहाँ पे पैसा ले सकता है। मेंबर को, मेंबर से तो क्या दिक्कत है भाई, मेरे को भाई मेंबर्स को शेयर्स भी तो दे रखे हैं ना, तो मेंबर अगर डिपॉजिट लेते हैं देते हैं तो डिपॉजिट भी एक्सेप्ट कर सकता है मेंबर से। डिपॉजिट एक्सेप्ट करोगे तो डिपॉजिट्स का मिनिमम ड्यूरेशन होना चाहिए 6 मंथ्स का, कितना 6 मंथ्स के लिए डिपॉजिट लेने पड़ेंगे। हाँ अगर कोई स्पेशल सर्कमस्टेंसेस हो जाए ऐसे कि आप 6 मंथ्स के लिए डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो मिनिमम 3 मंथ्स तो चाहिए चाहिए, इससे कम तो आप डिपॉजिट ले नहीं सकते हो किसी भी कंडीशन में। और दूसरा ठीक है अगर आप 6 मंथ से ज़्यादा लेना चाहते हो तो मैक्सिमम 3 साल तक के लिए डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो। कितने सालों तक के लिए? 3 साल तक के लिए। तो मैक्सिमम डिपॉजिट्स का जो ड्यूरेशन होता है वो कितना हो सकता है? अप टू 3 ईयर्स हो सकता है। कोई भी कंपनी 3 साल से ज़्यादा के लिए डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। यू हैव टू रीपेड दिस डिपॉजिट विद इन अ पीरियड ऑफ 36 मंथ्स, मतलब 36 मंथ्स 3 साल हो गए, आपको डिपॉजिट्स को रीपे करना पड़ेगा। समझ आ गया? अब ये बोलता है कि डिपॉजिट्स ना, डिपॉजिट्स को लेके लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं, लोगों को लगता है कि भाई ये डिपॉजिट है वो डिपॉजिट है। तो बोलता है कि एक नेगेटिव लिस्ट दे दी इसने कि जो आइटम्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ ये सारे के सारे आइटम्स डिपॉजिट्स नहीं है, जैसे शेयर इशू करना, डिबेंचर इशू करना, ठीक है ये सब क्या नहीं है, डिपॉजिट्स नहीं है। ठीक है इसके अलावा कई बार होता है जैसे अपन ना, जैसे एक एग्जांपल देके समझाता हूँ मैं आपको। हुआ क्या, मेरे को ना आपको प्रोडक्ट बेचना है, बट मैंने प्रोडक्ट बेचने से पहले आपसे एडवांस मांग लिया, डिपॉजिट मांग लिया, तो आपने मेरे पास डिपॉजिट रखवा दिया मान लो, तो वो क्या पब्लिक डिपॉजिट है? आंसर आया नहीं भाई। अच्छा चलो मेरे पास एक एम्प्लॉय काम करता है, उस एम्प्लॉय को मैंने गाड़ी दे दी, उस एम्प्लॉय को मैंने लैपटॉप दे दिया। अब एम्प्लॉय को मैंने क्या किया, एम्प्लॉय को एक तरीके से मैंने मान लो 5 लाख का सामान दे दिया, एक्टिवा दे दी और एक वो दे दिया। अब रिस्क क्या लगती है कि भाई एम्प्लॉय को अगर इतना दे दिया तो देर कुड बी ए चांस कि एम्प्लॉय क्या करे, भाग जाए। तो हमने एम्प्लॉय को बोला कि देख भाई सिक्योरिटी का चेक दे दे या फिर सिक्योरिटी रखवा दे, ज़्यादा नहीं तो 20,000 रुपये रखवा दे। समझ आया? तो क्या वो सिक्योरिटी यहाँ पे लगेगी, क्या वो डिपॉजिट्स हैं? अच्छा रेंट वेंट पे प्रॉपर्टी लेते हैं अपन तो उस पर सिक्योरिटी डिपॉजिट जाता है, तो क्या वो सिक्योरिटी है? नहीं है ना। तो यही चीज़ें बोलने की कोशिश कर रहा है एक्सेप्टेंस और डिपॉजिट्स बाय कंपनीज के बारे में, एक्सेप्टेंस और डिपॉजिट्स बाय कंपनीज के बारे में यही चीज़ बोलने की कोशिश कर रहा है कि जो कंपनियाँ हैं जब वो डिपॉजिट्स लेती है तो पब्लिक एट लार्ज से भी ले सकती है, मेंबर से भी ले सकती है,
पब्लिक के लिए हमने लिमिटेड रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा कर रखे हैं, हर कोई पब्लिक से नहीं मांग सकता, बट मेंबर से मांगने के लिए थोड़े रिस्ट्रिक्शंस कंपैरेटिवली कम है। आरबीआई के प्रोविजंस यहाँ पे चलने वाले हैं। बोलो समझ आया कि नहीं? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आज तो इतना ही करेंगे, ठीक, मतलब चालू कर नहीं सकते मतलब, ओके। तो वैसे तो क्या कर रखा है, सबके ऊपर प्रोहिबिशन ऑफ प्रोहिबिशन लगा रखा है कि कोई भी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता, यार एक काम करो ये वाला डेफिनेशन देख लो, ये बहुत फर्जी सा डेफिनेशन है, ये देखना, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 231 ऑफ द एक्ट डिपॉजिट्स इंक्लूड एनी रिसीट ऑफ मनी बाय वे ऑफ डिपॉजिट और लोन और एनी अदर फॉर्म बाय द कंपनी। कंपनी ने डिपॉजिट के नाम से लिया, लोन के नाम से लिया या किसी और फॉर्म में लिया कंपनी ने, बट डज नॉट इंक्लूड सच कैटेगरी ऑफ अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। आरबीआई ने जिनके लिए मना कर रखा है भाई डिपॉजिट नहीं है, वो डिपॉजिट नहीं है, जैसे डिबेंचर इशू करना, शेयर इशू करना, ये सब डिपॉजिट्स नहीं है। द अबव डेफिनेशन ऑफ डिपॉजिट इज इंक्लूसिव वन, इट इंक्लूड्स एनी मनी रिसीव बाय वे ऑफ डिपॉजिट लोन और एनी अदर फॉर्म, इसी को डिपॉजिट माना जाएगा। रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट इज ए टाइम बाउंड थिंग, कितना होता है 6 months to 36 months, और शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स 3 months के हो सकते हैं। कैन बी सिक्योर्ड और इट डज नॉट इंक्लूड प्रिस्क्राइब कैटेगरीज ऑफ अमाउंट्स, कुछ अमाउंट इसके अंदर इंक्लूड नहीं होते, जैसे डिबेंचर, ठीक है, बैंक लोन, ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये सब इसके अंदर नहीं आता। प्राइवेट कंपनी कैन डिपॉजिट कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स ओनली, पब्लिक कंपनी कैन डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर्स एंड ऑल्सो फ्रॉम पब्लिक इफ इट फुलफिल सर्टेन पैरामीटर्स। बड़ी कंपनी होना जरूरी है, 100 करोड़ टाइप्स की, समझ आया? डन, फर्जी सी डेफिनेशन थी, कोई डिफिकल्टी आई किसी को? नहीं, कल से चालू करें फिर, ओके फाइन, कल से, कल तो इस चैप्टर के बारे में लिखते हैं पहले फिर चालू करेंगे। ये देखो ये अमाउंट किस किस को डिपॉजिट्स नहीं माना जाएगा, भाई ये लिस्ट ही खत्म नहीं हो रही, आधा चैप्टर ही यही है, किस किस को डिपॉजिट्स नहीं माना जाएगा। बस अब आप सोचो, मतलब 7 pages तो 6 pages तो इसी के ऊपर है कि किस किस को डिपॉजिट नहीं माना जाएगा, भाई यही बताते थे किस किस को माना जाएगा, ठीक था यार। वैसे तो इसने कहा कि सबको माना जाएगा, एनी अमाउंट विच इज रिसीव्ड एज ए डिपॉजिट, ठीक है, लोन और इन एनी अदर फॉर्म, बट किस किस को नहीं माना जाएगा वो है। अच्छा फिर डिपॉजिटर कौन बन सकता है, एलिजिबल कंपनी कौन है, ठीक है, बस खत्म। अब इसके बाद एग्जेम्प्टेड कंपनीज, एलिजिबल कंपनीज और इसी के ऊपर चलेगा, डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का क्राइटेरिया क्या रहेगा, रेजोल्यूशन वगैरह पास करना, तो ये सब है। चालू करते हैं कल से चैप्टर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, ठीक है। इंट्रोडक्शन दे दिया था आज मैंने इस कंपनी का, बता दिया कि डिपॉजिट्स क्या है क्या नहीं है, कल से मेन इसके बारे में लिखेंगे, विल कवर इट ऑल, ठीक है, डन। मॉडिफिकेशन में पहले 30-30-60 का प्रोविजन तो होगा क्वेश्चन नंबर 6 में, भाई 30-30-60 का ही चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या देखना है एक बार, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला यार, ये 30-30-60 निकलने के बाद सीजी के पास गए, ठीक है, हरिओम, हाँ हाँ ठीक है, चलो करें वाइंड अप। Thank you.